है नया नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए लिस्ट जारी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे प्रचार। असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय भी प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी प्रचार करेंगे। तो वहीं वीरेंद्र खटीक सावित्री ठाकुर का भी लिस्ट में नाम है। डीडी ओइके सिंधिया का भी नाम शामिल है। देवेंद्र फडणवीस अर्जुन मुंडा का भी नाम इसमें शामिल है। उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर और स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट बीजेपी के द्वारा जारी की गई है। दिग्गज मैदान में दिखेंगे जो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग रैलियां करेंगे, संबोधन करेंगे उपचुनाव से पहले। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव भी आज अमरवाड़ा पहुंचकर बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह की नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे हैं। वो अमरवाड़ा में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही साथ आज नामांकन भी होना है। नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। रैली होगी, रैली के बाद होगी। अमरवाड़ा उपचुनाव जिसकी तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है, तैयारियां पूरी तरह से जोरों से जारी है। इसी बीच नामांकन दाखिल करना है और नामांकन रैली में जो है सीएम यादव पहुंचेंगे, उसके बाद जनसभा भी होगी। कमलेश शाह नामांकन दाखिल आज करेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए नामांकन होगा और नामांकन में नामांकन से पहले रैली और रैली के बाद जनसभा भी होगी, जिसमें सीएम मोहन यादव शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, उपचुनाव होना है अमरवाड़ा का, उपचुनाव और जोरों शोरों से बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। लंबी लिस्ट स्टार प्रचारकों की जारी हुई है और आज नामांकन भी दाखिल होना है। निश्चित तौर पर देखिए, अमरवाड़ा एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहेगा क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लगातार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीतती हुई आई है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं कमलेश शाह, और इसी वजह से यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। तो पिछला चुनाव जो कांग्रेस के टिकट पर कमलेश शाह जीते थे वो इस बार बीजेपी में है और बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस अब भी वहाँ पर जिता उम्मीदवार की तलाश कर रही है। बीजेपी लिहाजा पूरा दमखम लगा रही है क्योंकि ये चुनाव अब कहीं ना कहीं उनकी साख का विषय बन गया है, क्योंकि सिटिंग एमएलए ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी ऐसे में किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि वहां पर जो परिणाम है वो विपरीत आए। इसलिए खुद डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता वहां पर प्रचार प्रसार की कमान को संभालेंगे और जमीनी जमावट में जो बीजेपी है वो तेजी से जुड़ गई है। विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें 2023 में तो सभी सीटों पर छिंदवाड़ा की कांग्रेस को सफलता मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने वहां पे कमलनाथ के गढ़ कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है और अब बीजेपी अपने इसी जीत की लय को, इसी विजय अभियान को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी के लिए उपचुनाव के नतीजे कितने फेवर में रहेंगे और बीजेपी इस आदिवासी बाहुल इलाके में जनता का भरोसा, जनता का मत जीतने में कितना कामयाब होती है। ये जरूर कहा जाता है कि सत्ता जिसकी होती है उपचुनाव के नतीजे अक्सर उसके फेवर में आते हैं, लेकिन कांग्रेस से वहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस के प्रति रुझान आया, बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किया है। मध्यप्रदेश में चूक हुई ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे उत्साहित हैं, पर बीजेपी पूरा दम पूरा जोर वहां पर लगा रही है और जमीनी जमावट में जुट चुकी है। जो बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट होता है, जो जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पूरा तंत्र बीजेपी के पास है, उसके बलबूते बीजेपी वहां पर काम करेगी। और अब बीजेपी के पास छिंदवाड़ा में अपना सांसद भी है, बंटी साहू वहां से चुनाव जीते हैं, तो ये बंटी साहू के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी कि उनको जनता ने चुना, उसके बाद छिंदवाड़ा में लगातार बीजेपी सफलता हासिल कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो देखना होगा कि आज का
दिन बीजेपी वहां पर जो शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है उसके क्या कुछ मायने निकलते हैं, क्योंकि नामांकन में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, एक जनसभा को भी वो वहां पर संबोधित करेंगे जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं का उल्लेख करते हुए सीएम नजर आएंगे। जी वाकई भले कांग्रेस का गढ़ है पर गढ़ होने के बाद भी जिस तरह से क्लीन स्वीप इस लोकसभा में बीजेपी ने किया है उसके बाद स्थितियां बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वही जो दम है कांग्रेस दिखा पाती है अपने गढ़ में या नहीं दिखा पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सख्ती का जिक्र करेंगे, दो मंजिला मकान में आग लगी, आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। दो मंजिला मकान में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी है, आग का तांडव देखने को मिला है। चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी के दिनों में कई जगह पर आग की घटनाएं हमने देखी, इसी बीच ये भी एक तस्वीर, दो मंजिला मकान में ये भीषण आग और देखते देखते इसने विकराल रूप लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, कैलाश कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, दो मंजिला बिल्डिंग में ये आग किन्हीं कारणों से आग लगना बताई जा रही है, स्थिति क्या है बताइए। जी किसी अज्ञात कारण से ये आग लग गई और आग के लपेटे में दो मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ी और न ही नगर पालिका प्रशासन समय पर पहुंचे, जिसके कारण आग जो है भड़कती गई और पूरी तरह जल के जो है सामान खाक हो गई है। ये सुरक्षा के पोल को खोलते नजर आते हैं कि किसी की सूचना के दो घंटे बाद यदि कोई दमकल की गाड़ी पहुंचती है, नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं, ये बहुत दुखद बात है। चूंकि सूचना के दो घंटा बाद नहीं पहुंच पाना कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो नगर पालिका और दमकल की पोल खोलते नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, पेंड्रा का जिक्र करेंगे, कोयले से लदा ट्रक दुकान में जा घुसा, ड्राइवर और हेल्पर को चोटें आई हैं। दुकान बंद होने से ये बड़ा हादसा यहां पर टल गया। बिजूरी से बिलासपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान अनियंत्रित हुआ और जाकर के दुकान में घुस गया। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि थोड़ी बहुत चोटें जो है आई हैं ड्राइवर और हेल्पर को, पर राहत की बात ये कोई जनहानि नहीं हुई। पेंड्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए तस्वीर, अनियंत्रित हुआ ट्रक और जाकर के दुकान में घुस गया, कोयले से लदा हुआ ये ट्रक था, ड्राइवर और हेल्पर को चोटें आई हैं, उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि उस समय दुकान खुली नहीं थी, कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे, बुजुर्ग तिब्बती शरणार्थी को पीटा गया है, युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर पिटाई की, जमीन विवाद में बुजुर्गों को पीटने का यह आरोप है। तिब्बती समाज के लोगों ने मामला भी दर्ज कराया है, आरोपी संतोष यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है कमलेश्वरपुर थाने के कुनिया गांव का, ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट और उसके बाद अब ये मामला दर्ज हुआ है। बिलासपुर का जिक्र करेंगे, गौमांस की बिक्री शिकायत पर एफआईआर हुई है, पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गौमांस बेचते हिंदू संगठनों ने आरोपियों को पकड़ा, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़ा। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। कोटा थाना क्षेत्र के टांडा पंचायत का यह पूरा मामला है। उमरिया में आंधी ने तबाही मचा दी, आंधी में तीन पेड़ गिर गए और पनपथा मानपुर सड़क पर जाम लग गया। देर रात जेसीबी की मदद से पेड़ हटाए गए। मानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, देखिए ये तस्वीरें, आंधी तूफान बारिश की वजह से पेड़ गिर गए और पेड़ धराशायी होने की वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो गई। देर रात को जेसीबी बुलाई गई और जेसीबी की मदद से इन पेड़ों को हटाया गया, तब जाकर के जाम खुल सका।
कोरबा जिले के वनमंडल कटघोरा में घूम रहा जंगली भैंसा बाइसन सलोरा गांव पहुंच चुका है, जहां खेत की ओर गई दिव्यांग युवती पर उसने हमला कर दिया। बाइसन के हमले से युवती गंभीर रूप से घायल है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। कटघोरा रेंज के सलोरा गांव निवासी 18 वर्षीय साधना केवट अपनी बहन के साथ खेत की ओर गई थी, इसी दौरान बाइसन ने उस पर हमला किया। युवती मुखबधिर बताई जा रही है, वो इसी वजह से इशारा भी नहीं कर पाई, लेकिन उसकी छोटी बहन कुछ समझ नहीं पाई। बाद में छोटी बहन के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवती को अस्पताल पहुंचाया। चचेरे भाई के सुसाइड ने उस लड़के को बुरी तरह से तोड़ दिया, जिसके दिमाग में यह बात बैठ गई उसके भाई की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। वो लड़का भाई की मौत का बदला लेने गया, लेकिन फिर उसी लड़के की लाश मिली। परिवार रो रोकर फरियाद कर रहा है, आखिर उनके घर के दोनों बेटों का कसूर क्या था। रिश्तेदारों के बीच नफरत की जंग, चचेरे भाई का सुसाइड, वजह तुम ही हो। सीसीटीवी में कैद बदलापुर, होश उड़ाने वाले 40 सेकंड। मां करे फरियाद, मेरा लाल मुझे लौटा दो। इस सीसीटीवी फुटेज के 40 सेकंड दिल दहलाने वाले हैं। तस्वीरों में सबसे पहले तीन लोग नजर आते हैं, एक बाइक पर नरेंद्र सावनेर बैठा है, दूसरी बाइक पर शुभम खरटे और उसका दोस्त। इन लोगों के बीच बातचीत हो रही है। शुभम खरटे और नरेंद्र दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। कुछ देर तक बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो दिल दहलाने वाली है। शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी, इसके आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं, और उसी बात को लेकर ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फिर शुभम ने वहाँ नरेंद्र के घर मारपीट कर दी, और इसी मारपीट के पश्चात जो घायल नरेंद्र था उसने भी शुभम के साथ मारपीट की, चाकू से ऐसा वीडियो फुटेज में दिखाई पड़ता है। तैश में शुभम बाइक से उतरता है, जैसे उसके सिर पर मानो खून सवार हो, चाकू निकालकर नरेंद्र पर वार करता है। ये वार नरेंद्र की जांग पर लगा, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग बाहर आए। खंडवा के पदम नगर थाना इलाके का ये मामला है। इसके बाद अगली जो तस्वीर आई, या कहें खबर, उसने शुभम खरटे के परिवार को जैसे जिंदा लाश बना दिया। स्पष्ट है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है इस आधार पे ये घटना घटित हुई है, और एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होने से और स्क्रीन में चाकू लगने से शुभम की मौत हो गई है। उसके साथ ही ब्रेन भी घायल है, जो कि अस्पताल में एडमिट है, और दोनों ओर से प्रयास मदद में घायल किए गए हैं, एक में हत्या और दूसरे में हत्या का प्रयास करना है। इस क्राइम सीन से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर शुभम जख्मी हालत में मिला, जिस पर चाकू से वार किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई। शुभम की हत्या का इल्जाम नरेंद्र पर लगा। मृतक शुभम की मां रो रो कर यही सवाल कर रही है, मेरे बेटे को क्यों मारा। शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी, इसके आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं, और उसी बात को लेकर ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फिर शुभम ने वहां नरेंद्र के घर मारपीट कर दी। आखिर ये खून खराबा क्यों हुआ, क्यों एक घर का चिराग बुझ गया? तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शुभम के भाई योगेश ने 4 मार्च को सुसाइड कर लिया था। दरअसल नरेंद्र की रिश्तेदार लड़की और शुभम का चचेरा भाई योगेश कुछ महीने पहले घर से चले गए थे, बाद में लड़की घर आ गई थी। आरोप के योगेश पर बाद में लड़की के परिवार वालों द्वारा दबाव बनाया गया और उसने सुसाइड कर लिया। शुभम को चचेरे भाई योगेश की मौत झकझोर गई थी। नरेंद्र के परिवार के किसी महिला के कारण कोई विवाद इनका पुराना है, और उसमें ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी, इसके आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं, और उसी बात को लेकर ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई।
पारिवारिक रंजिश में बदलापुर और खूनी खेल ने एक घर की खुशियां छीन ली। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस शहर में तीन कंकाल मिलने से सब दंग हैं। ये मौत अजब पहली बन गई है। मां अपने दो बेटों के साथ दूसरे शहर में दर्शन करने गई। कॉल पर घर वालों को कहा तीनों जल्दी घर आएंगे, लेकिन तीनों लापता हो गए। 5 महीने बाद मां और बेटों का कंकाल मिला। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? तीन रहस्यमयी गुमसुदगी, मां बेटे हुए लापता, 5 महीने वो कहां है? जंगल में मां बेटे का मिला कंकाल, फंदे पर दोनों भाइयों की लाश, जमीन पर मां का मिला कंकाल। आखिर इस मौत का राज क्या? इस इलाके में सब सन्न है, परिवार वाले भी हैरान हैं। करीब 5 महीने पहले सीधी के रामगढ़ गांव की रहने वाली 55 साल की छुटकी साकेत अपने दोनों बेटे 30 साल के राजकुमार और 27 साल के दीपक साकेत को लेकर मैयर माता मंदिर गई थी। घर पर कॉल करके कहा था 1 फरवरी को तीनों घर आ जाएंगे, लेकिन तीनों घर नहीं पहुंचे। उसके बाद परिवार तीनों की तलाश करने में मैयर गया, लेकिन छुटकी साकेत और उनके बेटों का पता नहीं चला। इस गुमसुदगी का कनेक्शन जुड़ा मैयर के इस जंगल से, यहाँ तीन कंकाल मिले हैं। देवी जी पहाड़ी के पीछे कल तीन अज्ञात शव मिले हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ऐसी के फंदे में लटके हुए मिले हैं। सुसाइड अटेम्प्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई गुमसुदगी कोतवाली में या मैहर में या अन्य किसी थाने में दर्ज नहीं कराई थी। उनका ये कहना है कि कमाने खाने के लिए और मैहर माता में तीर्थ के लिए आया जाया करते थे, इस कारण से उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई नहीं गई। मैहर माता मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर तलहटी वाले इलाके में तीनों कंकाल मिले। दोनों भाइयों के कंकाल पेड़ पर लटक रहे थे। इधर जमीन पर एक महिला का कंकाल मिला। ये कंकाल छुटकी साकेत का था। कंकाल की ये मिस्ट्री ही थी। परिवार वालों ने कंकाल की पहचान की, तब ये बात पता चली कि ये कंकाल छुटकी साकेत और उनके दोनों बेटों का है। अक्सर तीनों मंदिर दर्शन करने जाते थे, कई दिनों तक रुकते भी थे। कल पुलिस ने मेहनत करके इन तीनों लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तीनों रामगढ़ जिला सीधी के रहने वाले हैं और ये आपस में रिश्ते में माँ बेटे हैं। माँ का नाम छुटकी साकेत है, बेटे का नाम राजकुमार साकेत और दीपक साकेत है। और ये जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं उसे समझ में आ रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ही ये घटना कारित कर ली है, क्योंकि इन्होंने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। सवाल ये है, आखिर कंकाल की ये मिस्ट्री क्या है? माँ और बेटे यहाँ पहुँचे कैसे? क्या ये ट्रिपल सुसाइड है या फिर मौत की वजह कुछ और है? मृतक के घर वालों की माने तो अक्सर तीनों मंदिर दर्शन करने जाते थे, काम के सिलसिले में भी बाहर जाते थे। परिवार को उम्मीद थी कि तीनों घर आ जाएंगे। देवी जी का वह दुर्गम रास्ता है जहां पर सामान्यतया लोगों की आवाजाही नहीं है, इसलिए उस बॉडी की स्मेल भी नहीं आई और साथ ही वहां लोग नहीं गए, इससे पता भी नहीं चला। जल्द ही हम इस घटना से जुड़े हुए तथ्यों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि इसमें और भी कोई तथ्य निकल कर आएंगे तो उसे भी अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस समझ में आ रहा है। इसके क्या कारण है, इनके सभी परिजनों को बुला लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। मेडिकल टीम से इनके पीएम के लिए बात की गई है और अगर आवश्यकता लगी तो टीम से यह भी आग्रह किया गया है कि इसे मेडिकल कॉलेज से इनका पीएम कराया जाए। क्या यह सुसाइड का मामला है या फिर मौत के पीछे की कोई और कहानी है? सवाल ये भी है, क्या इस कंकाल का अंधविश्वास से कोई कनेक्शन है? अभी कई राज खुलने बाकी हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल और सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
खबर रायसेन से है, जहां सराफा व्यापारी से कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की और मारपीट का आरोप नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर लगाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे और उसके कुछ रिश्तेदारों ने सराफा व्यापारी से मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। जीतू ने, अशोक ने, नगर पालिका अध्यक्ष के भाई हैं साहब, ये जीतू, अशोक और मुकेश और उनके दोनों लड़के, पांचों लोग थे साहब, हैं जमुना सेन के लड़के। और मतलब वहां पर इन्हें पाइप उठा लिया, राडें उठा ली और उससे मारना शुरू कर दिया सर मेरे को। और आइए अब देखेंगे टॉप 20 किसान।